अमरीका और ईरान इराक को अपने तनाजात के हल का मैदान ना बनाएं। स्पीकर इराकी पार्लियामेंट ने इराक की सरजमीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इराकी हुकूमत को तनाजे से दूर रहने के लिए ठोस इकदाम उठाने की हिदायत दे दी। इराक की पार्लियामेंट ने अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजर में फरीकैन पर जोर दिया कि वो इराकी सरजमीन को अपने मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया पर अपने बयान में इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान की जानिब से इराक की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। इराकी हुकूमत मुल्की सरजमीन की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के साथ तनाजे से दूर रहने के लिए ठोस इकदाम करें। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि इराक की सलामती को दरपेश खतरात और मुल्की इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तेफाक राय नागुजीर है। दूसरी जानिब इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी का कहना है कि ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों से पहले इराक को आगाह कर दिया था।